10 मिनट में क्लास भी खत्म होगी और हमारी आपकी फिर एंट्रेंस क्लास स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्या आपको पढ़ा रही थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, जो कि एक ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्यों, सोचो और बताओ थोड़ा सा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्यों है? कोई भी एक सब्सटेंस 100% कैसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का वो है? यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, कोई कोई बताओ? +7 +6 हो रहा है, क्योंकि K2 निकल जाएगा तो Cr2O7 2 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस आएगा। ठीक है, +6। ओके, अच्छा, एंड क्रोमियम का मैक्सिमम स्टेट +6 ही होता है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +6 ही होता है, इससे ऊपर वो जा नहीं सकता। तो अब ये क्या होगा, इससे नीचे आएगा। क्रोमियम का अगर +6 मैक्सिमम है तो अब ये इसके बाद नीचे आएगा, +3 में जाएगा, +4 इस तरीके से नीचे आएगा, +6 से वो नीचे जाएगा। इसका मतलब वो रिड्यूस होगा, +6 इसका मैक्सिमम है तो अभी रिड्यूस होगा। अगर वो रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। इसी तरीके से हम डिसाइड करते हैं ना कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप बताओ H2SO4 क्या है, रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है या क्या है, बताओ मुझे H2SO4। आपको इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए कि किसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और आप सबको पता है कि सल्फर जो है वो +6 से ज्यादा स्टेट में कभी जाता ही नहीं है। +6, हाँ ठीक है वंशिका, ऑक्सीडाइजिंग है हाँ, तो इसका मैक्सिमम +6 है, तब ये +6 से +7 में तो जाएगा नहीं ना, तो ये क्या करेगा, अभी +6 से नीचे आएगा, +2 +4 में जाएगा, तब ये नीचे आएगा +6 से, मतलब रिड्यूस होगा, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। इसी तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली आपको पूछा जाएगा HNO3 ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे करते हो आप डिसाइड? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5 और आप सबको पता है कि नाइट्रोजन +5 मैक्सिमम स्टेट लेता है, उससे ज्यादा स्टेट नाइट्रोजन ले ही नहीं सकता है। तो अगर ये उससे ज्यादा स्टेट ले नहीं सकता है तो अभी रिड्यूस होगा, नीचे तो जा सकता है ना नाइट्रोजन, अब तो -3 आ सकता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अभी नीचे आएगा, +5 से नीचे आएगा। जब ये +5 से नीचे आएगा दैट मींस वो रिड्यूस होगा, दैट मींस दिस इज आल्सो अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे छोटे मोटे तीन ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स तो हैं। अगेन यहाँ पे K2Cr2O7 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसका +6 है और इससे ऊपर को जा नहीं सकता, अभी नीचे रिड्यूस होगा, तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और ये हाईली सोल्युबल है। तो हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्रोमाइड ओर ले लिया है, क्रोमाइड ओर को सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन दिखाया तो सोडियम क्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमेट में जो क्रोमेट आयन है Cr4O2-, दिस इज येलो इन कलर। अच्छा, उसके बाद सोडियम क्रोमेट को ले लिया है और H2SO4 का मतलब है मेरा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रहा है, तो मेरा क्या बन गया, Na2Cr2O7 बन गया है, क्या बन गया है, Na2Cr2O7 मेरा यहाँ पे बन चुका है और Cr2O7 के साथ यहाँ पे देखना और बायप्रोडक्ट क्या बन रहा है, Na2SO4 भी बन रहा है, तो एक बात मुझे बताना, और वाटर बन रहा है क्या, एक बार चेक करो आपके पास अगर नोट पड़ा है तो। यस, ठीक है, तो Na2Cr2O7 जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दिखाएगा, Na2Cr2O7 बनाएगा, ये है सोडियम डाइक्रोमेट। जिसका कलर होता है ऑरेंज कलर, और इस ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होता है Cr2O7 एनायनिक Cr2O7 -2 जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑरेंज कलर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो फिर मैं Na2Cr2O7 को ले लेती हूँ और इसके साथ रिएक्शन दिखाया जाता है KCl। पोटेशियम क्या करता है, सोडियम को डिस्प्लेस करता है, तो ये बनाता है K2Cr2O7 बनाता है और साथ में 2NaCl बाहर आता है, एंड दिस इज माय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो मेरा डिजायर था, ठीक है।
दिस इज माय पोटेशियम डाइक्रोमेट राइट हियर. यहाँ पर जगह नहीं है, आपको मैंने बता दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ये है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7 का प्रिपरेशन हो चुका है. ये ऑरेंज है, ऑरेंज क्यों है, बिकॉज ये भी ऑरेंज था एंड ऑरेंज कलर इज ड्यू टू Cr2O7. आपका डाइक्रोमेट जो आयन बनता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर. ये डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, Cr2O7 टू माइनस बन जाएगा. क्लियर है? ओके okay? अच्छा तो ये हो गया मेरा प्रिपरेशन. ये तीन स्टेप आपको लिखना है वहां पे. पोटेशियम अगर आपको बोला जाएगा डाइक्रोमेट का लिखो, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपको लिखना है. ठीक है? अच्छा यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान देना कि ऊपर का थोड़ा मैं रब कर रही हूँ. आज एटलीस्ट एक के बारे में पढ़ लेते हैं और स्टिल इसका डायग्राम रह जाएगा लग रहा है मुझे, या फिर थोड़ा एंट्रेंस लेट करेंगे तो ये हो जाएगा. मैम एंट्रेंस मत लेट करना प्लीज मैम. हाँ नहीं करेंगे, बहुत हालत खराब हो रखी है. हाँ आप लोग थोड़ा हो जाता है. मैं एक्चुअली ना टाइम टेबल का अगर थोड़ा प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है. ठीक है, सो तीन स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है ऑरेंज सॉलिड. क्वेश्चन क्या आता है, एक तो क्वेश्चन आएगा सीधा पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन बता, ये आपका आता है. तो आपने क्या देखा, सबसे पहले रिएक्शन हो गया मेरा, उसके बाद एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चला और उसके बाद ये रिएक्शन चला. अब मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज. पीएच का कौन सा इफेक्ट है कलर के ऊपर. आपने क्या देखा, यहाँ पे येलो कलर बन रहा है और उसके बाद येलो कलर इसका है Na2CrO4 का, Na2CrO4 का येलो कलर है और येलो कलर एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता है. ठीक है, सो राइट डाउन इफेक्ट ऑफ पीएच. ये क्वेश्चन आता है तो ये करा लेती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंट्रेंस का. ठीक है, इफेक्ट ऑफ पीएच में दो पीएच होता है, लो पीएच होता है और एक हाई पीएच होता है. लो पीएच का मतलब एसिडिक मीडियम. ऑल ऑफ यू नो दिस, एसिड का पीएच लेवल कम होता है. लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक मीडियम और हाई पीएच का मतलब होता है बेसिक में. ठीक है, अब हम चलते हैं क्या होता है. आपको ये भी बता चुकी हूँ कि पोटेशियम सोडियम का कोई काम नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक कंपाउंड जुड़ गए हैं अल्कली मेटल्स. बट मोस्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में. ठीक है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयन्स. ओनली द एनायनिक आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज. सीधे मैं उठाती हूँ आपको, यहाँ पे बताती हूँ. देखो लो पीएच, लो पीएच का मतलब अभी मैंने आपको बताया, लो पीएच मतलब एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब मैं क्रोमेट आयन को लेती हूँ, क्रोमेट आयन CrO4 2 minus. एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 minus देता है और H2O देता है. क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट देता है, वाटर देता है एंड हाई पीएच में चलते हैं. हाई पीएच का मतलब बेसिक मीडियम में Cr2O7 2 minus OH, बेसिक मीडियम में CrO4 2 minus और H2 देता है. ऑल क्लियर? क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट देता है, येलो से ऑरेंज होता है और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट देता है, ऑरेंज से येलो होता है. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड का क्वेश्चन है, कलर चेंज के बारे में बताना है और क्रोमेट से डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट से क्रोमेट का कन्वर्जन आपको दिखाना है अकॉर्डिंग टू पीएच. इजी है, आप इसे लर्न कर सकते हो. क्लियर है? अच्छा बाकी जो है अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे क्योंकि टाइम ऑफ होने वाला है. ठीक है, तो बाकी इसका डायग्राम बचा है, इसका क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों का